यूपी के बरेली में एसडीएम के पद पर तैनात ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया तो वहीं ज्योति मौर्य और उनके परिवार ने भी खुलकर अपनी बात सामने रखी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन ज्योति मौर्य भी इसके पीछे नहीं। अब इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए फिरोजाबाद की एसडीएम ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। फिरोजाबाद की एसडीएम बुशरा बानो ने यह कहा कि यह मामला उनका निजी मामला है, इस मामले पर किसी को ताक झांक नहीं करनी चाहिए। ये मामला अब बहस के लिए नहीं है बल्कि इस मामले पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। कोर्ट जो फैसला करेगा वो साफ होगा। एसडीएम ज्योति और आलोक के विवाद को निजी मामला बताते हुए बुशरा कहती है कि इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। जांच चल रही है, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में ताक झांक उचित नहीं। सोशल मीडिया पर चल रही बातें और बहस बकवास है। किसी भी इंसिडेंट को लेकर पूरी महिला जाति को टारगेट करना ठीक नहीं। एसडीएम बुशरा ने कहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह का मीम बनाकर महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। बुशरा कहती है कि महिलाओं को हर हाल में आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और शादी के बाद ससुराल वालों ने मेरी बहुत मदद की, इसी वजह से मैं यूपीएससी का एग्जाम पास कर पाई हूँ। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम ज्योति ने कहा कि आलोक से उनका विवाद सफाई कर्मी या एसडीएम होने से नहीं, ये पारिवारिक मामला है। आलोक ने झूठ बोलकर शादी की, मामला कोर्ट में है, जो कहना है वही कहूंगी। ज्योति मौर्य ने इस बात को कबूला है कि उनके पति और परिवार वालों ने काफी मदद की, लेकिन अब उनका ये कहना है कि ऐसे में उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ज्योति मौर्य ने यह भी आरोप लगाए थे कि पति ने दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अब जो भी कहना है मैं वो कोर्ट में ही कहूंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।